लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पैदल जा रही एक 19 साल की लड़की के गले से सोने की चेन खींचकर भागने वाले चोर को शिवाजी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और चोरी हुए सोने की चेन बरामद कर ली है। आपको बता दें कि अंबरनाथपुर परिसर में रहने वाली 19 साल की लड़की संस्कृति संदीप जाधव ने शिवाजी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मंगलवार की सुबह अपने दोस्त के साथ वो पैदल जा रही थी। वो जैसे ही वड़वाली सेक्शन में पहुंची तो उसके गले से सोने की चेन खींचकर कुछ चोर फरार हो गए, जिसके बाद उसने शिवाजी नगर पुलिस में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और मामले की जाँच शुरू कर दी। वही पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि अंबरनाथ पूर्व के नावीर और किट में रहने वाले 24 साल की शुभम सुशील पांडे ने ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुभम को हिरासत में लिया और थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो शुभम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मामले में आगे की जांच जारी है। दिनांक 7 तारखेला संस्कृति जाधव ही 19 वर्षाची तरुणी तिच्या मैत्रिणी सोबत ट्यूशन वरून परत येत असताना शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील रायगड बिल्डिंग समोरच्या रस्त्यावर एक अनोळखी तरुण त्याचा पीछा केला त्या दोघींचा आणि तिच्या तोंडावर हात ठेवून तिच्या गळ्यातली सोन्याची चेन जबरीने हिसकावून पळून गेला। त्या संदर्भात त्याच रात्री आपण चेन स्नॅचिंगचा गुन्हा दाखल केलेला होता। हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तात्काळ एसीपी सातव आणि इथले सिनियर पीआय भोगे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली। याच्या तपासासाठी 2 स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आलेली होती। तथापि या आरोपीने मास्क घातलेला असल्यामुळे त्याची ओळख पटवणं थोडंसं पोलिसांसाठी आव्हानात्मकच होतं। या 2 पथकांनी अहोरात्र मेहनत केली। एका बातमीदारामार्फत त्याच्या वर्णनावरून माहिती मिळाली की हा संशयित जो आरोपी आहे तो शुभम सुशीलकुमार पांडे नावाचा तरुण असू शकतो। त्यानुसार पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं, त्याच्याकडे सखोल विचारपूस केली। विचारपूस केल्यावर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली, त्यामुळे मग त्यांना गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आली आरोपीला आणि त्याच्याकडून जी त्यांनी चेन हिसकावून नेलेली होती जबरीनं ती गुन्ह्याच्या तपासामध्ये हस्तगत करण्यात आली। मेट्रो मुंबई के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।